सोनीपत के मुरथल में 4 दिन पहले हुए एक संत सम्मेलन में हिंदू धर्म की रक्षा करने का आह्वान किया गया था। ये एक तरह से कुछ संकेत था। इसके बाद अब पानीपत के 250 साल में कांग्रेस के टिकट की प्रबल दावेदार वरिंदर बुल्ले शाह ने संतों और बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का सम्मान किया। उन्हें भोजन के बाद दक्षिणा का लिफाफा भेंट किया। इस कसरत को चुनाव अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनावी गहमा गहमी के हाई वोल्टेज के बीच एक चुनावी तड़का। प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और कई बार मंत्री रहे रामविलास शर्मा का एक डायलॉग सामने आया है। उन्होंने एक तरह से हाई कमान को चेतावनी दी है, मिटा दे हमको जमाना, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मिटा दे हमको जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। दरअसल पंडित जी का नाम बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की पहली सूची में नहीं है। इतने बड़े नेता को भी टिकट का इंतजार करना पड़ रहा है। खैर, एक दिलचस्प घटना ये भी हुई है कि एक हफ्ता पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के मुरथल आश्रम में कुछ संत इकट्ठा हुए और हिंदू धर्म की रक्षा का आह्वान किया, कुछ संकेत भी दिए। इधर शनिवार को पानीपत के प्राचीन देवी मंदिर में कांग्रेस नेता एवं पानीपत से टिकट के प्रबल दावेदार वरिंदर बुल्ले शाह ने संतों और ब्राह्मणों का सम्मान समारोह कर दिया। ब्राह्मणों का सम्मान करने और भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा का लिफाफा भेंट किया गया। पहले स्वामी जी, हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए संतों का एक सत्संग था, चिंतन बैठक थी, समाज में अच्छे लोग आए, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, संतों के पास जो आएंगे संतों का आशीर्वाद सबके लिए, यही बैठक थी कि भाई अच्छे लोग आए, अच्छे लोगों का आशीर्वाद मिले, वो समाज का, संस्कृति का, राष्ट्र का भला करें। गौरतलब है कि कुछ साल पहले तक सियासी लोग हों या संत समाज अक्सर बयान देते थे कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। धर्म और राजनीति का मेल धार्मिक नैतिकता नहीं है, पर लगता है अब संत और सियासतदान घुल मिल रहे हैं। इस समारोह में तो सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण देवता पहुंचे थे। सवाल ये भी है कि क्या ये आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, पैसे देकर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? और माँ देवी मंदिर के प्रांगण के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है, माँ देवी का भी आशीर्वाद और ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद, विजय श्री का बुल्ले शाह को आशीर्वाद दिया उन्होंने और आप विजय श्री रहेंगे। अब चाहे आप चुनाव का देख कर सोचे या कुछ सोचे, बाकी जनता के हाथ में और ब्राह्मणों ने अपना पूर्ण आशीर्वाद, संतों ने, ब्राह्मणों ने दिया है और विजय श्री का आशीर्वाद। खास बात नहीं है, ब्राह्मण सम्मान तो हम करते रहते हैं। अभी पिछले महीने 4 तारीख को सारे ब्राह्मण समाज ने कम्युनिटी सेंटर में मेरे को बुला के बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, आपके सामने है सारा कुछ। आशीर्वाद दे रहे हैं आपको भी संत समाज? अब मैं आशीर्वाद लेने के लिए इनके आया हूँ, मैं इनको निवेदन किया था कि एक ब्रह्म भोज कर रहे हैं हम सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके, तो आइए, तो सारों ने आके आशीर्वाद दिया, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल ये नहले पर दहला है। दरअसल अब चुनाव जीतने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। सहयोगी श्रीनिवास के साथ रविंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।